अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूनिक रेसिपीज। आप सब कैसे हो? आज हम बनाने जा रहे हैं गजरेला। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कैसे बनाने का तरीका आगेगा हम आपको बताएगा। हमने इधर लिया 50 ग्राम बासमती राइस लिया, आधा घंटा पहले हमने भिगो के रखा। अभी हम इसको कुकर में डाल के 4 विसल आने तक रखेगा। इसको हमने 3 से 4 विसल तक रखेगा हमको इसको सॉफ्ट बनाने का। इसके लिए हम इधर लिया 1 लीटर दूध लिया। दूध अभी हम गर्म करने के लिए रखा। हमारा चावल भी इधर तैयार हो गया, 3 से 4 सीटी तक हमने रखा था। अभी हमने चावल मिक्सी में डाला, ज़रा से इसको घुमा के लेके आएगा। हमने इधर 1 लीटर दूध लिया गजरेला बनाने के लिए। इसके लिए हमको थोड़ा गाजर चाहिए। गाजर को हमने इसे क्रश करके इसमें जो पानी है सब सुखा दिया। अभी हमारा दूध गर्म हो गया अच्छा से, इसमें हम 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड किया। दो टेबलस्पून मिल्क पाउडर हम इसमें ऐड किया। अभी इसको अच्छा से दूध में मिलाएगा मिक्स करके। जो चावल हमने कुकर में बॉयल करके रखा उसमें से थोड़ा अलग रखा था, ये इसमें अभी ऐड किया। अभी हम मिक्सी में जो चावल पीस के रखा वो इसमें ऐड किया। अब इसको भी इसमें अच्छा से मिलाएगा। हमको इसके लिए कैरमल चाहिए। कैरमल बनाने के लिए हमने इधर पैन रखा, 3 टेबलस्पून शुगर इसमें ऐड किया कैरमल बनाने के लिए। हमने जो गाजर भून के रखा वो इसमें दूध में हम अभी ऐड किया इसमें। अभी इसको भी अच्छा से मिक्स करके मिलाएगा दूध में। दूध में गाजर डाल के अच्छा से पका दिया। अभी इसमें हम मिल्क मेड ऐड किया। हमारा कैरमल तैयार हो गया, कैरमल हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हमने कैरमल को ब्राउन कलर नहीं किया, गोल्डन कलर चाहिए था, उस हिसाब से हमने बनाया। कैरमल अभी इसमें ऐड किया। अगर आप में से कोई भी मेरा चैनल पे पहली बार आया, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करने के लिए भूलना नहीं। वीडियो देखते देखते एक लाइक देने के लिए भी भूलना नहीं। अभी पूरा कैरमल हम इसमें ऐड किया, अच्छा से मिक्स कर रहे अभी इसमें। अभी इसमें हम 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड किया, इसको भी इसमें अच्छा से मिक्स किया। माशाल्लाह से अभी हमारा गजरेला तैयार हो गया। अभी हमको चाहिए बादाम पिस्ता फ्राई करके लेने का इसमें गार्निशिंग करने के लिए। बादाम और पिस्ता घी में फ्राई कर रहे हमने, इसके लिए हमने 2 टीस्पून घी ऐड किया। अभी इसमें बादाम ऐड किया, बादाम फ्राई करके निकालेगा, इसके बाद में पिस्ता। बादाम थोड़ा गोल्डन फ्राई हो गया, अभी इसमें हम पिस्ता फ्राई डालेगा फ्राई करने के लिए। अभी पिस्ता भी डाल दिया हमने, अभी दोनों एक साथ में फ्राई करके निकालेगा। अभी इसमें से थोड़ा गार्निशिंग के लिए भी लगेगा, बाकी दूध में डालेगा। अभी हमारा गजरेला तैयार हो गया। हमने बादाम पिस्ता फ्राई किया, अभी वो भी इसमें हम अभी माशाल्लाह से गजरेला बिल्कुल तैयार हो गया। अभी इसको हम डिश आउट करेगा। माशाल्लाह गजरेला बिल्कुल तैयार हो गया। अगर आप में से कोई भी मेरा चैनल पे पहले बार आया, मेरा वीडियो पहले बार देख रहे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करने के लिए भूलना नहीं। वीडियो देखते देखते एक लाइक देने के लिए भी भूलना नहीं। हाँ, ज़रूर बताने का कमेंट बॉक्स में आपको ये डिश कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। See you soon inshallah with a new recipe. Allah Hafiz.